हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास टेंथ की हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कि था हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या था बच्चों? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें बच्चों हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। क्या पढ़ा था बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में? द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। बच्चों, हमारा जो इस चैप्टर का स्टोरी पार्ट था, ठीक है, जो हमारा इस चैप्टर का स्टोरी पार्ट था, वो हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में कर लिया है कंप्लीट। ठीक है, यानी जितने भी रेवोल्यूशन हमें यूरोप में लाने थे, ठीक है, जो पढ़ने थे, वो हम सभी ने कर लिए हैं डिस्कस। ठीक है, वो सारे के सारे हम लोगों ने जो भी आपके टॉपिक्स थे उन्हें हमने कर लिया है पूरी तरह से डिस्कस, जिसमें हम लोगों ने जर्मनी को आज़ाद कराया, फ्रांस को आज़ाद कराया, ठीक है, और ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इटली, जर्मनी, सभी को हम लोगों ने आज़ाद करा लिया, और सभी के यूनिफिकेशन की जो भी कहानी थी वो पढ़ ली है। ठीक है, वो सारी कहानियों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब उन्हीं कहानियों को पढ़ने के बाद अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल स्विच करने वाला है। ठीक है बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है? अब बिल्कुल स्विच करने वाला है, यानी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ अलग। अब कुछ अलग क्या सर? इस चैप्टर से अलग नहीं, इस चैप्टर से अलग नहीं, लेकिन जो हमारा स्टोरी था यूनिफिकेशन का वो ख़त्म हो गया। अब उससे एक अलग चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में क्या है हमारा वो अलग टॉपिक। वो है विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन। क्या है वो टॉपिक हमारा? विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन। सर, ये विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन क्या है? तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत से ही बताता चला आ रहा हूँ, और बीच बीच में कई बार मैंने आपको बताया है कि बच्चों, नेशंस बना लेना, ठीक है, कि बता देना कि यहाँ से यहाँ तक की टेरिटरी आपकी इंडिया है, या यहाँ से यहाँ तक की टेरिटरी आपकी फ्रांस की टेरिटरी है, यहाँ से यहाँ तक की टेरिटरी जर्मनी की टेरिटरी है, तो ये एक नेशन बिल्ड करना होता है। तो नेशन आपने बिल्ड कर दिया, आप नेशन बना लेते हो बहुत ही ईजिली, मतलब ईजिली नहीं कहेंगे, बहुत ही इसके पीछे आपको रिवॉल्व करना पड़ता है, काफ़ी बलिदान देने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन एक नेशन क्रिएट करना अलग बात होती है, और उस जगह, उस नेशन के अंदर रह रहे लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग लाना, नेशनल सेंटिमेंट्स लाना, उन्हें देश के साथ एसोसिएट करना, ये बिल्कुल अलग बात होती है। ठीक बच्चों, क्या बताया मैंने कि एक नेशन को बना लेना अलग कहानी है, और उस नेशन के अंदर रहने वाले लोगों के भी के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग लाना, ठीक है, नेशनल सेंटिमेंट्स लाना, ठीक है, उन्हें नेशन के साथ एसोसिएट करना, उन्हें जोड़ना, ये बिल्कुल अलग बात होती है। आज हम लोग उसी पर्टिकुलर टॉपिक को इस मतलब उसी सारी बातों को हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे, फिलहाल तो हम लोग यूरोप के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें, तो यूरोप में हम लोग देखेंगे कि कैसे यूरोप में इस नेशनलिज्म की फीलिंग को लोगों के मन में लाया गया, कैसे लोगों को एसोसिएट किया गया नेशन से, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले बच्चों को और कन्फ्यूज़न हो रही, सर अभी भी थोड़ा सा कम समझ में आया। देखिए बच्चों, जैसे हमारा भारत एक देश है, ठीक है, अपने देश को लेकर के हम बात करेंगे तो आई होप आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। तो जैसे बच्चों, भारत हमारा एक देश है, और हम कहीं पर भी हों, क्या हैं हम, कहीं पर भी हों, चाहे अमेरिका में हों, चाहे लंदन में हों, ठीक है, कहीं पर भी हों, ठीक है, एक बात बता रहा हूँ, आप किसी जगह पर हो, ऑस्ट्रिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, ठीक है, श्रीलंका में हो, कहीं पर भी हो, अगर आपको आपके देश का फ्लैग, ठीक है, आपको अपनी कंट्री का फ्लैग दिखेगा, तो आप उससे एसोसिएट कर पाओगे कि हाँ, ये मेरे देश का झंडा है, ठीक है, आप उसके सम्मान में खड़े भी होगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि आप उस झंडे से, उस पर्टिकुलर फ्लैग से क्या हो, एसोसिएट हो, है कि नहीं प्यारे बच्चों? तो वही चीज़ होती है एसोसिएट होना, अपने देश से लगाव होना, अपने देश से जुड़ाव होना, यही क्या कहलाता है आपका, एसोसिएट होना देश से, यही हमारी नेशनल सेंटिमेंट को जगाता है, यही हमारे नेशनलिज्म को हमारे मन में जगाता है अपने देश के प्रति। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा एक मतलब बेसिक ओवरव्यू था कि हम समझने क्या वाले हैं। तो हम लोग समझने प्यारे बच्चों यही वाले हैं आज की वीडियो में, कि कैसे सारे रेवोल्यूशंस ख़त्म होने के बाद, एक नेशन कंट्री बनने के बाद, एक नेशन स्टेट बनने के बाद, वहाँ पे जहाँ जहाँ पे रेवोल्यूशन आए हैं, जहाँ जहाँ पे एक नेशन कंट्री बिल्ड हुई है, वहाँ के लोगों के मन में
कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग लाई गई, कैसे नेशनल सेंटीमेंट्स को लाया गया, कैसे उन्हें उस देश के साथ एसोसिएट किया गया। भले आपने कंट्री बना ली लेकिन वहाँ के लोग एसोसिएट ही नहीं कर पा रहे हैं आपकी कंट्री के साथ, वो मान ही नहीं पा रहे कि ये मेरा देश है, तो नेशन बहुत दिन तक नहीं चल सकता। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये बात हम लोग आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फ्रांस ने कैसे फ्रांस में नेशनल सेंटीमेंट्स को लाने के लिए मैरियन, ठीक है, एक कह सकते हो कि फीमेल एलिग्री जो होती है, ठीक है, फीमेल पोर्ट्रेट बनाया था जिसको हम लोग मैरियन के नाम से जानते हैं। और जर्मनी ने क्या बनाई थी, एक जर्मीनिया बनाई थी। क्या बनाई थी प्यारे बच्चों, जर्मनी ने जर्मीनिया बनाई थी, एक फीमेल एलिग्री थी ये भी, ठीक है। इसी के थ्रू वहाँ के लोगों ने एक दूसरे को जोड़ने का काम किया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस बात को समझेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ओवरव्यू से आप कनेक्ट कर पा रहे होगे कि हम आज पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा जो NCERT क्या कहती है। उसको तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना NCERT के हमारा बेड़ा पार होने वाला नहीं है। तो देखते हैं NCERT हमारी क्या बोलती है। तो विजुअलाइजिंग द नेशन, NCERT हमारी बोलती है, आर्टिसंस इन 18 एंड 19 सेंचुरीज फाउंड अ वे आउट ऑफ परसोनिफाइंग अ नेशन। कि आपके जो 18 और 19 सेंचुरी के जो आर्टिसंस थे, उन्होंने नेशन को, ठीक है, सेंचुरीज फाउंड अ वे आउट ऑफ परसोनिफाइंग अ नेशन, कि कैसे एक वे उन्होंने ढूंढ लिया, एक तरीका उन्होंने ढूंढ लिया कि कैसे हम नेशन को परसोनिफाइंग करेंगे, कैसे एक नेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए बच्चों, किसी भी मोनार्क को रिप्रेजेंट करना, किसी भी पर्सन को रिप्रेजेंट करना, उस क्योंकि भाई वो उसका एक चेहरा है, तो उस चेहरे से आप दिखा सकते हो कि ये है एक मोनार्क या ये है एक लुई XVI, आप इस तरीके से बता सकते हो। ये देखो लुई XVI जा रहा फ्रांस का राजा, आप इस तरीके से उसको परसोनिफाइंग कर सकते हो, बता सकते हो। लेकिन एक नेशन को आप कैसे परसोनिफाइंग करोगे, कैसे उसे बताओगे, क्या वैसे बोलो क्या ये देखो फ्रांस जा रहा है, ऐसा तो नहीं बोल सकते, ठीक है। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, ठीक है, वह एक ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो उस सिचुएशन में एक तरीका निकाला गया, उस समय के आर्टिसंस ने एक तरीका निकाला कि कैसे हम एक नेशन को परसोनिफाई करेंगे, कैसे हम एक नेशन को परसोनिफाइंग करेंगे। जैसे प्यारे बच्चों, हमारे देश में कैसे हमारे नेशन को परसोनिफाइंग किया जाता है, आप जानते हो कि हमारे देश में भारत, जो हमारा देश है, इस भारत देश को भारत माता की उपाधि दी गई है, यानी भारत माता के नाम से हम संबोधित करते हैं, करते हैं ना प्यारे बच्चों। तो ऐसा नहीं है कि भारत माता जैसे ही कोई देवी या कोई इस समय, मतलब उस समय रहा होगा, ठीक है, ऐसा कभी नहीं रहा है कि भारत माता जैसी कोई देवी रही हूँ, ठीक है, या भारत माता जैसी कोई फीमेल एक स्ट्रक्चर रहा हो जिसे हमें आज़ाद कराना रहा होगा ब्रिटिशर्स से, ऐसा कुछ नहीं रहा है। ऐसा बनाया गया आर्टिसंस के थ्रू ताकि हम अपने सेंटिमेंट्स को उस पर्टिकुलर जो भी हमारी एलिग्री है, ठीक है, वो भारत माता की जो मूर्ति है या जो भारत माता का जो स्ट्रक्चर है उससे एसोसिएट कर पाए, इसीलिए वह फीमेल एलिग्री बनाई गई थी कि ताकि इंडिया के लोग उनसे एसोसिएट हो पाए। तो सेम तरीका उस समय के आर्टिसंस क्या कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे आपके यूरोप के, कि हम कैसे जो नेशंस बने हैं उन नेशंस में नेशनल सेंटीमेंट्स को लोगों तक पहुँचाएँ और कैसे वहाँ के लोग एसोसिएट कर पाएँ अपने अपने नेशंस थे। तो उन्होंने भी एक तरीका अपनाया जिसमें उन्होंने क्या है, परसोनिफाइंग अ नेशन, यानी एक पर्सन का चेहरा दे देना, ठीक है, एक पर्सन का चेहरा दे देना नेशन को, और उसी पर्सन के चेहरे से उस नेशन को क्या किया जाए, जाना जाए, उसी पर्सन को एसोसिएट किया जाए। जैसे आपको भारत माता बोला जाए, ठीक है, भारत माता बोला जाए, तो अब भारत माता जैसे ही बोला जाएगा तो आपके सामने एक ऐसी इमेज आएगी कि आप, हाँ, पीछे हमारा इंडिया का मैप होगा, उसमें हमारा ट्राइकलर फ्लैग जो है, ठीक है, वो सैफ्रॉन वाइट ग्रीन वो बना होगा, एक शेर होगा, उस शेर पे माता हमारी विराजमान होंगी, उनके हाथ में हमारा तिरंगा झंडा होगा, ये तरीके का ये जो पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है हमारे आंखों के सामने आ जाता है और हम कनेक्ट कर पाते हैं अपने देश से, ठीक है, हम कनेक्ट कर पाते हैं उस पर्टिकुलर फिगर से अपने देश से, ठीक है। तो यही कहानी उस समय की रही है यूरोप की, जब वहाँ के आर्टिसंस 18 और 19 सेंचुरी में क्या कर रहे थे, एक तरीका उन्होंने ढूंढ लिया था देश को रिप्रेजेंट करने का, देश के लोगों को उस देश के साथ एसोसिएट करने का। ठीक बच्चों, परसोनिफाइंग मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक ऐसा चेहरा नेशन को, एक ऐसा चेहरा देना जो कह सकते हो कि कभी रहा हो या ना रहा हो, लेकिन उससे एक ऐसा चेहरा दे देना जिससे लोग अपने आप को एसोसिएट कर सके। ठीक, आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो नेशंस वर देम
पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर। और हम लोग क्या करते थे, ज़्यादातर उस समय के जो आर्टिसंस थे वो क्या करते थे, नेशन को कैसे पोर्ट्रेट करते थे, एक फीमेल फिगर के फॉर्म पे पोर्ट्रेट करते। जैसे हमारे में देखोगे आप भारत माता एक फीमेल पोर्ट्रेट है, तो उसी तरीके से यूरोप के जो नेशंस थे वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जा रहा था, फीमेल पोर्ट्रेट बनाए जा रहे थे, जिससे क्या किया जाता था, पूरे के पूरे नेशन को क्या किया जा रहा था, रिप्रेजेंट किया जा रहा था, पूरे के पूरे नेशन को उसी के साथ एसोसिएट किया जा रहा था। आगे क्या है बच्चों, द फीमेल फॉर्म दैट वॉज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वूमेन इन रियल लाइफ। अब वही बात बताई गई है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस फीमेल फिगर को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है वो रियल में एग्जिस्ट करती हो, रियल में एग्जिस्टेंस उसकी हो, ठीक है। रेदर इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन अ कंट्रिक फॉर्म। और ये क्या था कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, जो हमारे नेशन जो भी हमारे आइडियोलॉजी थी, जो हमारी नेशनलिज्म की फीलिंग थी, उसे एक कंक्रीट फॉर्म देने का, ठीक है, ये एक तरीका रहा है फीमेल एलिग्री बनाना, फीमेल पोर्ट्रेट बनाना, ये हमारे ही आइडियाज़ को एक कंक्रीट फॉर्म देने का क्या रहा है, हमेशा से एक तरीका रहा है प्यारे बच्चों, ठीक। आगे देखते हैं क्या है, आगे क्या बताया जा रहा, दैट इज़ फीमेल फिगर बिकम अ एलिग्री ऑफ द नेशन, एलिग्री ऑफ द नेशन। बच्चों बहुत बार सोच रहे होंगे कि सर बार बार आप एलिग्री एलिग्री बोल रहे हो, लेकिन आप इसका मतलब तो बताइए। तो बच्चों देखो, एलिग्री का मतलब क्या होता है, एक रूपक देना। एलिग्री का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एक रूपक देना, मतलब कि आप देखोगे तो नेशन को एक फीमेल फिगर दे दिया गया, तो नेशन को एक फीमेल फिगर का रूपक दे दिया गया, यानी एक रूप दे दिया गया है, ठीक है, फीमेल फिगर का एक रूप दे दिया गया, तो वही मतलब होता है एलिग्री, एलिग्री मीन्स रूपक देना। तो वही बताया जा रहा है कि द फीमेल फिगर बिकम अ एलिग्री ऑफ नेशन, कि अब क्या हो गया था कि आपका जो नेशन है वो एक फीमेल फिगर की एलिग्री हो गई थी, एक मतलब नेशन को आपके एक फीमेल फिगर की क्या दे दी गई थी, एलिग्री दे दी गई थी, रूपक दे दिया गया था। आई बात समझ बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, आगे क्या है, यू विल रिकॉल दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलिग्री टू पोर्ट्रेट आइडिया सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक। आप रिकॉल कीजिए कि फ्रांस के जो आर्टिस्ट थे वो क्या करते थे, एक फीमेल एलिग्री क्या करते थे, बनाते थे, फीमेल एलिग्री जो थी वो पोर्ट्रेट करते थे, जिसमें वो क्या दर्शाते थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन वो क्या दर्शाते थे, सच एज आइडियाज सच एज लिबर्टी, लिबर्टी के आइडियाज को दर्शाते थे उस पर्टिकुलर एलिग्री से, जस्टिस को दर्शाते थे, न्याय को दर्शाते थे उस पर्टिकुलर एलिग्री के माध्यम से, एंड द रिपब्लिक और आज़ादी को, ठीक है, सॉरी रिपब्लिक यानी कि डेमोक्रेसी को दर्शाते थे, ठीक है, और जनता का जनता द्वारा ही शासन को दर्शाते थे, ये हुआ करता था। आप रिकॉल करोगे तो फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरी पीरियड रहा है, फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट रहे हैं वो फीमेल एलिग्री को पोर्ट्रेट करके ये सारी चीज़ों को दर्शाते थे, क्या दर्शाते थे, ठीक है, लिबर्टी को दर्शाते थे, जस्टिस को दर्शाते थे, रिपब्लिक को दर्शाते थे, ये सारी चीज़ें वो दर्शाया करते थे, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। आगे क्या है, आगे बताया जाए, दीज आइडियल्स वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिम्बल्स। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि इन्हें हम क्या करते थे, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और स्पेसिफिक सिम्बल्स के थ्रू समझते थे। याद करिए बच्चों, क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने कुछ पॉलिटिकल सिम्बल्स पढ़े होंगे, जिसमें आपने रेड फ्रीजियन कैप, ठीक है, और आपने एक ट्राइंगल आइज देखी होगी, ठीक है, इस तरीके से कई आपने सिंबल्स को पढ़े हैं, ठीक है, एक टैबलेट देखा होगा, लॉ टैबलेट, इसमें इक्वालिटी को दर्शाया गया है, सारे रूल्स एंड लॉज लिखे हुए हैं, आपने कुछ सिंबल्स को ऑब्जेक्ट्स को पढ़े हुए हैं, तो उसी की यहाँ बात की जा रही है। दिस आइडियाज़ वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल्स। तो यानी जो आइडियोलॉजी थी फिलोसफर्स की, ये आइडियोलॉजीज जो हुआ करती थी, ये कैसे रिप्रेजेंट की जाती थी, किसी ना ऑब्जेक्ट के थ्रू या किसी सिंबल्स के थ्रू, ठीक है। आगे देखते हैं, ब्रोकन चेन वगैरह जो थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ब्रोकन चेन क्या दिखाता था, कह सकते हो लिबर्टी को दर्शाता था, क्या दर्शाता था आपको, लिबर्टी को दर्शाता था। क्लास नाइन्थ अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो रही होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या है प्यारे बच्चों हमारा, एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप। अब वहाँ बताया जा रहा है कि जो लोग रेड कैप, रेड फ्रीजियन कैप, हम लोगों ने पढ़ा है जो ये क्या था, जो रेड फ्रीजियन कैप था, ये एट्रीब्यूट था, मतलब कह सकते हो एक तरीके से प्रेजेंट करता था किसको, लिबर्टी को प्रेजेंट करता था, यानी जो लोग रेड फ्रीजियन कैप पहनते थे, यानी वो दर्शाते थे कि अब हम क्या हैं, आज़ाद हैं, अब हमें पूरी तरीके से आज़ादी मिल चुकी है, उसको दर्शाते थे। और क्या है, और द ब्रोकन चेन,
ठीक, और द ब्रोकन चेल वाइल जस्टिस इज अ जर्नली ब्लाइंड फ्लोडेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेटिंग स्केल। और दिखाया जाए तो ब्रोकन चेन वगैरह सिंबल्स हुआ करते थे और एक जस्टिस प्रोट्रेट हुआ करता था, ठीक है, जनरली जिनकी आंखों पे क्या थी, पट्टी बंधी हुई थी और उनके हाथ में एक मेजरिंग स्केल होती थी, एक वेटिंग स्केल होती थी, और वो दर्शाता था कि कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी और बिना पार्शियलिटी के इक्वल और सारे जो भी सच्चाई होगी, जो भी ट्रूथ होगी, उसको समझ करके क्या किया जाएगा, एक पर्टिकुलर न्याय का काम किया जाएगा, एक जस्टिस का काम किया जाएगा। तो ये वुमेन जो थी आपकी ब्लाइंड फ्लोडेड वुमेन, फोल्डेड वुमेन, ठीक है, ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन, ये एक ऐसा पोर्ट्रेट था जो जस्टिस को दर्शाता था, ठीक है, क्या दर्शाता था, जस्टिस को दर्शाता था, ठीक है। आई बात समझ में बच्चों, आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक हम लोग बच्चों वो बात देखी जिसमें हम लोग देखा कि कैसे 18 और 19 सेंचुरी के आर्टिसंस कैसे एसोसिएट करने के लिए देश को और देश के लोगों को उससे एसोसिएट करने के लिए किस तरीके से फीमेल पोर्ट्रेट का यूज़ कर रहे थे, ठीक। अब बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे फ्रांस में जो पर्टिकुलर फीमेल पोर्ट्रेट आया था उसका क्या नाम था, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया मैरियन नाम था उसका, और उससे कैसे लोग एसोसिएट कर रहे थे वो थोड़ी चीज़ों को हम लोग यहाँ देखेंगे। तो देखते हैं क्या है, सिमिलर फीमेल एलिग्री वर इन्वेंटेड बाई आर्टिस्ट इन दी 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट दी नेशन। क्या करा, सिमिलर इसी तरीके से क्या किया जाता, एक फीमेल एलिग्री बनाई गई थी कहाँ पे, फ्रांस के आर्टिस्टों के द्वारा, कब, 19th सेंचुरी में, यानी फ्रांस के आर्टिस्ट जो थे उन्होंने 19th सेंचुरी में एक फीमेल एलिग्री बनाई थी। इन फ्रांस सी वॉज क्रिस्टनेटेड मैरियन, ठीक है, क्रिस्टनेटेड मैरियन, अब उसका क्या नाम रखा गया था बच्चों, मैरियन रखा गया था, मैरियन पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, ये क्या था, मरियन क्या था, एक बहुत ही पॉपुलर क्रिश्चियन नेम हुआ करता था, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, जो क्या करता था, आपके नेशन के आइडिया को, ठीक है, क्या करता था, अंडरलाइन करता था, कह सकते हो रिप्रेजेंट करता था। आई बात समझ बच्चों, हर करेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फॉर रूल्स ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, द रेड कैप, द ट्राई कलर, द कोकेट। अब क्या था कि इनके, मतलब इनको इस तरीके से ड्रॉ किया गया था कि ये फ्रांस के रिपब्लिक को दिखाएं, ठीक है, फ्रांस की लिबर्टी को दिखाएं, फ्रांस की रिपब्लिक को दिखाएं, उसके लिए उनको जब कह सकते उनका पोर्ट्रेट बनाया गया था, तो उनको एक रेड फ्रीजियन कैप पहनाई गई थी और उन्हें जो कपड़े पहनाए गए थे, ठीक है, जो उन्हें कपड़े पहनाए गए थे वो ट्राई कलर, जो फ्रांस का नेशन का जो ट्राई कलर फ्लैग था, उस ट्राई कलर फ्लैग से उनका क्या बनाया गया था, कपड़ा बनाया गया था, जिसमें आप देखोगे ट्राई कलर फ्लैग एंड कोकेट, और उनके माथे पर एक, मतलब यहाँ पे कह सकते हो एक बैच टाइप का उनके मुकुट में था जिसे कॉकेट कहते हैं, वो लगा हुआ था, और इस तरीके से एक फ्रांस की जो मैरियन है, फ्रांस की जो नेशन को कह सकते हो कि रिप्रेजेंट करने वाला एक फीमेल पोर्ट्रेट था, वो बनाया गया इस तरीके से, ठीक। प्यारे बच्चों, आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ठीक इसी तरीके से बच्चों क्या किया गया था, जर्मनी के केस में भी क्या बनाया गया था, सिमिलर जर्मेनिया बिकम द एलिग्री ऑफ द जर्मन नेशन इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जर्मेनिया वर आ क्रोन ऑफ, ठीक है, अब ये क्या था कि इसी तरीके से सेम जर्मनी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फीमेल एलिग्री जो बनाई गई थी उसका क्या नाम था, जर्मेनिया नाम था उसका बच्चों, और वो जर्मेनिया जो था वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मनी, ठीक है, वो क्या करती, जर्मन नेशन को वो क्या कर रही थी, रिप्रेजेंट करती थी, ठीक है। जर्मेनिया इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वियर्स आ क्रोन ऑफ ओक लीव्स, और जर्मेनिया जो थी वो जर्मनी को रिप्रेजेंट करते हुए क्या पहनी हुई थी, एक ओक ट्री, ठीक है, ओक ट्री की उसने क्या पहनी हुई थी, एक कैप, सॉरी क्राउन पहना हुआ था, ठीक है, ओक ट्री का उन्होंने एक क्राउन पहना हुआ था, एज दी जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, और जहाँ पे ओक को क्या समझा जाता, जर्मनी में ओक्स का क्या मतलब था, वो हीरोइज्म को दर्शाता था, ठीक है, जो ओक लीव थी वो ओक लीव क्या करती थी, जर्मनी में हीरोइज्म को दर्शाती थी, ठीक। प्यारे बच्चों, तो ये रहा प्यारे बच्चों विजुअलाइजिंग द नेशन की बात, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे एक नेशन को उनके लोगों से कनेक्ट करने के लिए वहाँ के आर्टिस्ट ने क्या काम किया और कैसे उन्होंने एक फीमेल एलिग्री, फीमेल पोर्ट्रेट बनाया जिससे उन्होंने नेशन को रिप्रेजेंट किया और लोग उनसे कनेक्ट हो पाए। आई होप यहाँ तक बच्चों आपको कहानी जो थी बहुत ही सीधी सीधी थी वो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। बच्चों आगे हम लोग थोड़ा सा कुछ मीनिंग ऑफ द सिंबल्स, ठीक है, कुछ सिंबल्स की मीनिंग देखेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको जर्मेनिया के जस्ट नीचे एक
फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, उस फिगर की बात की जाए तो उस फिगर में कुछ सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो आपको ब्रोकन चेन दिख रही होगी उस फिगर में जो ब्रोकन चेन दिख रही है उसका सिग्निफिकेंस क्या था, ठीक है, उसका मतलब क्या था, उसकी मीनिंग क्या थी। तो उसकी मीनिंग थी बीइंग फ्रीड, अब हम लोग क्या हैं, बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल आज़ाद हैं, इस ब्रोकन चेन का मतलब ये हुआ करता था, ठीक है बच्चों। फिर क्या था आगे देखोगे तो ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, आप जानते हो कि जर्मनी में क्या था, जर्मनी में आपका जो पर्टिकुलर मोनार्क था उसी ने यूनिफिकेशन कराया था, तो उस रॉयल फैमिली को भी रिप्रेजेंट करने के लिए इस जर्मेनिया जो थी, उस जर्मेनिया के ब्रेस्ट प्लेट पे एक ईगल बना हुआ था, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता था, ये दर्शाता था सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, ये दर्शाता था पर्टिकुलर, ये ईगल दर्शाता था कि जर्मनी की जो क्या थी आपकी जर्मन जो एम्पायर था उसकी स्ट्रेंथ को दर्शाता था, ठीक बच्चों। अगला क्या है, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, और जो ओक लीव्स का आप यहाँ पे देख रहे होगे क्राउन, ठीक है, वो ओक लीव का जो क्राउन है वो क्या दर्शाता था बच्चों, हीरोइज्म को दर्शाता था, क्या दर्शाता था बच्चों, हीरोइज्म को दर्शाता था। अगला क्या है, सॉल्ट क्या था, रेड लाइंस टू फाइट की मतलब हम क्या हैं, अक्सर क्या हैं, तैयार हैं, कभी भी अगर हमारे नेशन पे कोई खतरा आता है तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और क्या है, ओलिव ब्रांच अराउंड दी सोर्ड, अब जो आप देखोगे तो ये सोर्ड रखी हुई है उसमें अराउंड में देखोगे आप तो क्या है, ओलिव ब्रांच लगी हुई है, ओलिव ब्रांच क्या दर्शाती थी, विलिंगनेस टू मेक पीस, ये दर्शाती थी कि हम क्या चाहते हैं, हमारी इच्छा है पीस बना रहे, यानी शांति बनी रहे, तो ये ओलिव ब्रांच इस बात को दर्शाती थी। अगला क्या है बच्चों, ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राइकलर, अब ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राइकलर क्या दर्शाता है बच्चों, ये आपके फ्रांस नेशन का एक क्या है, झंडा है आपका, जर्मन स्टेट का ये क्या है, एक फ्लैग है, उसकी बात की जा रही, तो फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट, ये क्या है, एक जर्मन स्टेट का एक फ्लैग था जिसको 1848 में क्या कर दिया था, ड्यूक्स ने क्या कर दिया था, राजकुमारों ने जो आपके थे उनके वहाँ के जर्मन, उन्होंने क्या कर दिया था, इसको बैन कर दिया था, आई बात समझ में। अगला क्या है, रेज ऑफ द राइजिंग सन, अब यहाँ पे आप देखोगे तो राइजिंग सन यानी उगते हुए सूरज की रेज आपको देखने को मिलेगी, ये क्या बता रही है, बीइंग ऑफ अ न्यू एरा, कि एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है, क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है, आई बात समझ में। तो आई होप बच्चों सारे सिंबल्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे सिंबल्स आपके एनसीईआरटी की बुक में विजुअलाइजिंग द नेशन के जस्ट नीचे आपको दिखाई देंगे, ठीक, जिसको मैंने आपको समझा दिया है। आई होप यहाँ तक की जो भी बातें हम लोगों ने की हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग अपने इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, और उस लास्ट टॉपिक के बाद जो आपका यह जो चैप्टर है हिस्ट्री का, द नेशनलिज्म और द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वो पूरी तरीके से हो जाएगा समाप्त। आशा करता हूँ बच्चों, आई होप आपको आज की जो वीडियो है वह समझ में आ गई होगी, और अगर वीडियो समझ में आई हो प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें, पढ़ते रहें और अच्छे मार्क्स गेन करते रहें। थैंक यू सो मच।